हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की प्लांट फिजियोलॉजी में, जो कि है ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम सैप इन एंजियोस्पर्म। सो फर्स्ट हमें देखना है कि फ्लोएम सैप होता क्या है। जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, उसको हम कलेक्टिवली फ्लोएम सैप कहते हैं, जिसमें कि प्रीडोमिनेंटली वी फाइंड शुक्रोज, विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें देर इज नो फ्री कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन प्लांट्स के किस टिश्यू के द्वारा होता है। जैसा कि नाम दिख रहा है यहाँ पर फ्लोयम, तो ये ट्रांसलोकेशन फ्लोयम टिश्यूज के द्वारा होगा। अब फ्लोयम टिश्यूज में इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम है या सेल्स हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स और विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि सोर्स क्या है। तो जो भी मैच्योर लीफ होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी और फोटोसिंथेट बनेगा, उसको वो सप्लाई करेंगी दूसरी सेल्स में। जब सेल्स के पास डिमांड है कि हाँ, हमको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनेगा, और वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ शुक्रोज जो है मैन्युफैक्चरिंग सेल से, जो कंजम्पशन है जहाँ पे इसकी डिमांड है, वहाँ पर इसको भेजा जाएगा, और उस सेल को हम बोलेंगे सिंक सेल। यदि इमेच्योर सेल है, दैट इज नॉट सो मैच्योर कि वो खुद फोटोसिंथेसिस कर सके, तब तक वो मैच्योर लीफ पर डिपेंड रहेगी। तो मैच्योर लीफ जो है एक्ट करेगी एज सोर्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कि इमेच्योर सेल्स होती हैं, वो सिंक का काम करेंगी, और जब ये जो मैच्योर लीव्स हैं, उससे फूड सप्लाई लेती रहेंगी और विल चेंज इनटू मैच्योर सेल, तब ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, और इस कंडीशन में ये वर्क करेंगी एज सोर्स। हो सकता है कि एक प्लांट जो कि वेजिटेटिव कंडीशन में है, ठीक है, उसकी लीव्स जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं फूड्स, एंड वो स्टोर हो रहा है लेट से रूट्स में, फाइन। और जब ये वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, तो इस कंडीशन में ये सेल जो है वो एक्ट करेगी, जो रूट सेल्स हैं वो एक्ट करेंगी एज सोर्स। गेटिंग? सो वेजिटेटिव स्टेज में ग्रोथ हुई और वहां से लीव ने जो प्रोडक्ट बनाया वो भेज दिया रूट्स की तरफ, और जब ये लीव्स नहीं रही या रिप्रोडक्टिव फेज में या जो भी ग्रोइंग रीजंस हैं, है ना, उसमें हमको फूड पहुंचाना है, तो ये जो सप्लाई है, ये जो रूट है, ये अब एक्ट करेगा एज, ये एक्ट करेगा एज सोर्स, फाइन। सो अगर ये बोला जाए कि मूवमेंट केवल सोर्स टू सिंक है, फाइन, तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, बट सिंक आफ्टर सम टाइम कैन वर्क एज सोर्स, फाइन। सो फ्रॉम हेयर इट विल मूव टू दी अदर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ दी प्लांट। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम सैप इज बाई डायरेक्शनल। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि सिंप्लास्टिक लोडिंग और एपोप्लास्टिक लोडिंग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोएम लोडिंग की जब बात की जाएगी, तो ये दो टाइप की होगी, एक सिंप्लास्टिक और एक एपोप्लास्टिक। सिंप्लास्टिक में प्लाज्मोडेस्माटा का इन्वॉल्वमेंट होगा, और एपोप्लास्टिक में प्लाज्मोडेस्माटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ सेल वॉल जो है उसके थ्रू
सुक्रोज जो है एंटर करेगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये मीजोफिल सेल है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट हैं और यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई और शुक्रोज। नाउ नाउ हम जो बात करेंगे वो करेंगे शुक्रोज की, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली शुक्रोज जो है फ्लोएम सैप में मिलता है। तो अब हम फ्लोएम जो है जो फ्लोएम सैप की बात कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ शुक्रोज बात करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके प्लाज्मो डेस्मेटा, और ये सेल हो गए आपके फ्लोएम, ये हो गए आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा, और ये हो गए आपके कंपेनियन सेल, एंड दिस इज सपोज सीव ट्यूब है, सीव एलिमेंट। तो अब आप देखिए कि आपको जो लेटेस्ट बुक्स होंगी उसमें इसको कंपेनियन सेल और सीव एलिमेंट्स जो यानी कि सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स इन द जिम्नोस्पर्म और सीव ट्यूब्स इन एंजियोस्पर्म। सो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स कर रहे हैं। तो सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स को कलेक्टिवली फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो आप देखिए कि अब हम जब मूवमेंट देखते हैं तो मूवमेंट आपको देखना है कि किस तरीके से कंपेनियन सेल में मूवमेंट हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम लोडिंग वो सिम्प्लास्टिक है या एपोप्लास्टिक। ये देखते हैं। अब देखिए यहां से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू शुक्रोज आया और यहां भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कंपेनियन सेल में एंटर किया, एंड फ्रॉम कंपेनियन सेल इट कम्स टू सीव ट्यूब। सो यू सी इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा प्रायर टू टेक द एंट्री इन कंपेनियन सेल। सो ये हो जाएगा आपका सिम्प्लास्टिक लोडिंग। फाइन, अब आप देखिए इस वाले में इस डायग्राम को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू ब्लॉक दिस। फाइन, सो देर इज नो, यू जस्ट कंसीडर देर इज नो पोर और देर इज नो प्लाज्मोडेस्माटा बिटवीन दी सेल्स ऑफ कंपेनियन सेल्स एंड अदर फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स और अदर सेल्स। सो यहाँ मूवमेंट यदि हम देखते हैं तो किस तरीके से होगा। सो यहाँ बना और ये पहुंचा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू नाउ प्रायर टू दी कंपेनियन सेल। तो ये मूवमेंट जो हुआ यहाँ कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है तो ये थ्रू सेल वॉल हुआ। फाइन, तो ये मूवमेंट कहलाएगा आपका एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एंड जनरली ये माना जाता है कि जो एंट्री है इन दी सीव ट्यूब दैट इज ओनली थ्रू आ प्लाज्मो डेस्माटा फ्रॉम कंपेनियन सेल टू सीव ट्यूब्स। सो आप देखिए कि जिस तरीके से कंपेनियन सेल में फ्लोएम लोडिंग हो रही है वो डिसाइड करेगा कि वो सिम्प्लास्टिक है या एपोप्लास्टिक। यहां देखिए आप कि कंपेनियन सेल में एंट्री थ्रू प्लाज्मो डेस्माटा के हो रही है तो ये हो गया सिम्प्लास्टिक, और यहां पर ये हो रही है विदाउट माइनस, ये हो गया विदाउट प्लाज्मो डेस्माटा, तो यहां हो रही है वो एपोप्लास्टिक लोडिंग। और जो सीव ट्यूब में लोडिंग होगी फ्रॉम कंपेनियन सेल वो इनवेरिएबली जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं उसमें दैट इज थ्रू प्लाज्मो डेस्माटा। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये हो सकती है आपके सामने कि एक ही तरीके की सीव ट्यूब है बट एंट्री जो है वो दो तरीके से हो रही है, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, है ना। सो हम इस डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर लें। जैसा कि हमने पीछे सीखा है जो एंट्री होगी थ्रू सीव ट्यूब वो प्लाज्मो डेस्माटा के
थ्रू होगी। तो आप देखिए, एक ही सीव ट्यूब में दो तरीके का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो रही है, जिसमें कि आप ये सीधा देख सकते हैं। आप कैसे लोकेट करना है ये हमको बता दिया। ये है आपका कंपेनियन सेल, ये हो गई फंक्शनल यूनिट, फाइन। तो ये मूवमेंट हुआ थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो जाहिर बात है कि ये हो जाएगा सिंप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग। और यहां पर ये कंपेनियन सेल है और यहां कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, तो ये हो जाएगा एपोप्लास्टिक। बट दोनों तरीके के जो लोडिंग है वो हो रहे हैं एक ही तरीके की सीव ट्यूब में, फाइन। और एक कंडीशन ये हो सकती है प्लांट्स में कि जो सीव ट्यूब्स हैं वो दोनों डिफरेंट हों। ST1 मान लीजिए सीव ट्यूब एंड दिस इज ST2, और यहाँ पर ये कंपेनियन सेल है, ये यहाँ पर कंपेनियन सेल है। जैसा हम पीछे करेक्ट कर रहे थे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, हम यहाँ पर ये ब्लॉक कर देते हैं, फाइन। तो ये मूवमेंट जो हुआ यहां से यहां, तो दिस इज सिंप्लास्टिक लोडिंग और ये हुआ एपोप्लास्टिक लोडिंग इनटू डिफरेंट सीव ट्यूब्स, फाइन। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा टाइप। सो यहां तक जो हमने देखा, ये हुआ आपका एपोप्लास्टिक लोडिंग और सिंप्लास्टिक लोडिंग, और एपोप्लास्टिक और सिंप्लास्टिक लोडिंग इनको क्यों कहते हैं ये हमने जाना। और दो कंडीशन हो सकती हैं, एक दोनों तरीके की लोडिंग में जो है वो जो लोडिंग है वो एक ही तरीके की सीव ट्यूब में जा रही हो, या ये भी हो सकता है कि दो रूट से डिफरेंट टाइप की लोडिंग हो रही है डिफरेंट सीव ट्यूब्स में, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एपोप्लास्टिक लोडिंग जो कि सेल वॉल के थ्रू होती है वो किस तरीके से होती है। टिल देन, गुड बाय।